पिछले काफी समय से एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है। वहीं एक बार फिर इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आई, एक और एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बताते चलें कि जहां जनवरी में थैना फील्ड्स अपने घर में मृत पाई गई थी, वहीं फरवरी में 36 साल की कॉग्नी लिन कॉटर ने सुसाइड कर लिया था। वहीं थैना और कॉग्नी के निधन के बाद एक और बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल जानी मानी एडल्ट स्टार सोफिया लियोनी का भी निधन हो गया है। 26 साल की सोफिया हाल ही में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। पिछले कुछ महीनों में लगातार एडल्ट स्टार्स के निधन की खबरें लोगों को हैरान कर रही हैं। आपको बता दें कि 26 साल की सोफिया लियोनी के सौतेले पिता माइक रोमरो ने गोफंडमी पर जारी स्टेटमेंट में इस बात की पुष्टि की है, जहां मेमोरियल फंड जुटाया जाएगा। दरअसल सोफिया के पिता ने बताया कि उनका परिवार एक्ट्रेस के निधन से सदमे में है। एक्ट्रेस के पिता ने कहा कि उसकी माँ और परिवार की ओर से भारी मन से मुझे हमारी प्यारी सोफिया के निधन की खबर शेयर करनी पड़ रही है। सोफिया की अचानक मौत ने उनके परिवार और दोस्तों को अंदर से झकझोर दिया है। गौरतलब है कि सोफिया लियोनी के पिता का कहना है कि 1 मार्च को सोफिया अपने अपार्टमेंट में बेहोश मिली थी। बताते चलें कि सोफिया को उनके परिवार ने 1 मार्च 2024 को अपने अपार्टमेंट में बेहोश पाया था। फिलहाल मौत के कारणों की स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। उसे घूमने का शौक था और वह हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखने के तरीके ढूंढती थी। फिलहाल सोफिया लियोनी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस सी छिड़ गई है। आखिर कम उम्र में महिलाओं की संदिग्ध मौत क्यों हो रही है? पिछले 3 महीने में यह 3रा मामला है जब किसी एडल्ट स्टार ने दुनिया को अलविदा कहा हो।